नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे ही था, क्योंकि उन्हें केवल जीत दिखती थी। उनका केवल एक ही लक्ष्य था कि मछली की आंख को भेदना है। और हम आज मछली की आंख और अर्जुन का जिक्र और उनकी तीर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आगे बात करने वाले हैं दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की। जी हाँ, विराट कोहली ने ऐसा बयान दिया है कि पूरे भारत को गर्व होगा। भले ही मौजूदा वक्त में विराट कोहली का बल्ला बिल्कुल खामोश है, रन नहीं आ रहे हैं, लगातार वो रेस्ट कर रहे हैं, ऐसे में अब वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसको सुनने के बाद उनके विरोधी निश्चित तौर पर कहेंगे कि पहले वो अपनी बल्लेबाजी सुधार लें उसके बाद ज्ञान दें। लेकिन विराट कोहली ने जो कुछ भी कहा है वो ये दर्शाता है कि विराट कोहली वो अर्जुन है जिनका लक्ष्य केवल और केवल मछली की आंख है। आपको बता दें कि विराट कोहली ने एक बयान जारी किया, स्टार स्पोर्ट्स के हवाले से ये बयान है, और विराट कोहली ने कहा है कि मेरा एक ही लक्ष्य है, किसी भी हालत में भारत को चैंपियन बनाना, वो चाहे एशिया कप हो या फिर T20 विश्व कप, मुझे टीम इंडिया को चैंपियन बनाना है और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपको बता दें कि एशिया कप अगस्त में खेला जाएगा, T20 विश्व कप अक्टूबर नवंबर में खेला जाएगा, विराट कोहली दोनों टीमों में हिस्सा होंगे। हालांकि विराट का बल्ला काफी खामोश चल रहा है, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, लगातार वो T20 वनडे और टेस्ट में फ्लॉप चल रहे हैं, जिसके बाद उन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक बातें उठने लगी हैं कि विराट कोहली को टीम से बाहर कर दिया जाना चाहिए, लेकिन विराट कोहली पर BCCI को पूरा भरोसा है। सौरभ गांगुली बार बार कह रहे हैं, कप्तान रोहित शर्मा बार बार कह रहे हैं कि हमें विराट पर भरोसा है, वो वापस लौटेंगे। फिलहाल विराट कोहली ने स्पीच जिस तरीके से बयान देते हुए कहा है कि कुछ भी हो जाए मुझे टीम इंडिया को चैंपियन बनाना है, वो ये बताता है कि उनमें जोश है, जुनून है और वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली अब भारतीय टीम में बतौर खिलाड़ी खेलते हैं, कप्तानी वो किसी भी फॉर्मेट में नहीं करते हैं, लेकिन उनका बल्ला लगातार खामोश चल रहा है, ऐसे में एशिया कप और T20 विश्व कप में उनका फॉर्म में आना बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और सबका दिल जीत लिया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।